अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का यूनिट 1 देखेंगे जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपके पास क्या है? एन इक्वेशन विच कंटेन स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास अननोन क्वांटिटी मीन वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होनी चाहिए? 2, जो कि आपको नजर भी आ रहा है कि इक्वेशन की डेफिनेशन में लिखा है कि अननोन क्वांटिटी की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 2। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपके पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है और आप इसको क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि अब हम डिस्कस करेंगे वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a b c बिलोंग टू रियल नंबर। जो आपके पास इक्वेशन में a b c कोफिशिएंट आपको नजर आ रहे हैं, इनकी जगह आप कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो ये है कि a नेवर इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास a जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो आपके पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो क्या होगी? बी एक्स प्लस सी। और ये बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। दैट्स वाई ए नेवर इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे हम इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं, वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से भी निकालते हैं। अगर हम इसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म थी आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी प्योर फॉर्म के लिए आप क्या करोगे? बी को 0 कर देते हो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बी को 0 कर दें तो आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, और ये है आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या बनती है इसकी? फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। जस्ट ओनली वन थिंग, x कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू 0 इन अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।